उन्नाव गैंगरेप कांड में बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। मामला सीबीआई के पास तक पहुंचा है। ये मामला इतना संवेदनशील है कि सभी इस पर सोच समझकर बात कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह की इंसानियत कहीं मर गई है। तभी तो आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर के बचाव में कुछ ऐसा बोल गए जिसने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी है। योगी के राज में ये क्या हो रहा है? ये सवाल बार बार इसीलिए क्योंकि उनके विधायक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। अभी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर बलात्कार करने का गंभीर आरोप लगा है और इस पर कार्रवाई चल ही रही है। केस भी जब बैरिया से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने रेप पीड़िता पर बयान देकर मामले को और हवा दे दी। दरअसल सुरेंद्र सिंह कुलदीप सेंगर का बचाव कर रहे थे, इस दौरान वो रेप पीड़िता पर विवादित बयान दे बैठे। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि तीन बच्चों की माँ से कोई दुष्कर्म नहीं कर सकता। बीजेपी विधायक सेंगर पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी के बेलगाम विधायक कुलदीप सिंह के साथ साथ उनके भाई का भी बचाव कर बैठे। उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला सोची समझी साजिश है। मैं मनोवैज्ञानिक आधार पर कह सकता हूं कि तीन बच्चों की मां से कोई दुष्कर्म नहीं कर सकता। डीबी लाइव की रिपोर्ट।